बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ HMI Says। सो आज की वीडियो पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाहौर की एक वेल नोन फेमस पर्सनैलिटी हैं, एक बिज़नेस से वाबस्ता है जो कि बिज़नेस डायरेक्टली इन्वॉल्व है गाड़ियों के साथ। जैसा कि इंसान चलता है खाने पर, ऐसे ही गाड़ी चलती है इंजन ऑयल पर। तो इनका ताल्लुक भी ऐसी इंडस्ट्री के साथ है, इंजन ऑयल का बिज़नेस है इनका। मियां ऑयल स्टोर के CEO फाउंडर और उसको स्टार्ट करने वाले लाहौर में जो वाहिद शख्स हैं, उनका नाम है मियां नसीर अहमद, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम मियां नसीर अहमद है, मैं शरफपुर शनीफ के गाँव का आंगी हूँ, देखी दाग हूँ, छोटा सा वहाँ पर हमारे ज़मीनें वगैरह है, उसका नाम है गाँव का छठा बाब मियाँ, छठा माम मियाँ का बनने वाला हूँ, जिला शेखपुर पर यह गाँव है शेखपुर शरीफ के साथ छठा माम मियाँ। और मैं पहले ज़मींदार ही करता था, और ज़मींदार उसे करते करते मैं लाहौर आ गया। लाहौर आके मैंने ये आयदर का से जमीन शुरू किया, और माशाल्लाह आज 25 साल हो गए मुझे आयदर का काम। काम तो कोई भी बुरा नहीं होता, काम से ही शुरू करते हैं। आप ये बताएं, आपको ये आइडिया दिमाग में कैसा आया कि मैं इस ऑयल के काम में ही हूँ? कई लोग होते हैं इनहेरिटेड, यानी कि अबाई अबाव अजदाद वही काम करते हैं तो वही कंटिन्यू करते हैं, आपका ऐसा कुछ सीन है सर? नहीं, आप तो जिम्मेदार करते थे, आया एक कॉम्प्लीमेंट थोड़ी देर भी जॉब थी, जो करने के बाद मैंने ये काम मिट्टी में गई अपनी डम हरी दम आय पंपी के ड्रम में तैयार करता था। उसके बाद जब मैंने देखा ये काम इतना अच्छा नहीं है, फिर मैं आयल में आया, आयल दिशा आयल बिरबल बराट है, आयल चेंज करवा किया। जब मैंने आयल चेंज करवाया तो वो मैं डिमांड को देखता रहा, उसकी शॉप को देखता रहा, मैंने ये काम बहुत अच्छा है, यार खाने ना चाहिए। उस वहाँ से देख के मैंने काम शुरू कर दिया, मुझे मैं आज अपनी दुकान डूबी घूम के मैंने रात पर दी, रात पर दे के मैंने वहाँ पर काम शुरू कर दिया। मैंने किसी के से सीखा थी या बल्कि आप ये थे जो 25 साल में मुझे काम करते हुए, मैंने कोई मेरा ख्याल है कि काम से कम 40-50 लोगों को वहाँ दिया। बहुत अच्छी बात है। इससे मेरा अगला सवाल है आपके कि अभी आप किस जगह पर खड़े हुए हैं, आपकी कितनी ब्रांचें हैं माशाल्लाह लाहौर में, और आप कितने अरसे दराज से लाहौर में ही काम कर रहे हैं? अभी गुलशन-ए-रावी में भी 4 ब्रांचें हैं, और एक ब्रांच हम शेखपुर में बनाई थी, वो हमने बंदों के ऊपर छोड़ा था, वो हमारी दवाओं ग्रोप होने की वजह से हमने वो बंद कर दी। अभी हम नीचे रंग काम कर रहे हैं और आगे बना रहता है कि हम और ब्रांचें बनाएँ इंशाल्लाह। इसी से मेरा अगला सवाल आपसे ये है आपके काम के बारे में ही, कि हमें इंजन ऑयल के बारे में बताएं कि कितने इकसाम का इंजन ऑयल होता है और कौन कौन सा ग्रेड उसमें अवेलेबल है पाकिस्तान में? जो ऑयल है वो तो काफ़ी किस्मों का है, जो गाड़ी के ऊपर है, गाड़ी को तो पक रहा है, गाड़ी के मॉडल के हिसाब से वो ऑयल होता है। जो पुरानी गाड़ी है उसमें 20-50 ऑयल होता है, इंजन ऑयल वो डालता है। जो उससे नहीं होती है उसमें 10-40 डालता है, उसके बाद 3-5-30 डालता है, उसके बाद नई नई गाड़ी नहीं होगी उधर तो ब्रेक ऑयल लगेगा, उसमें मोटा ऑयल नहीं लगेगा। जो पुरानी गाड़ी थे उधर मोटा ऑयल लगेगा, अभी जान रहा है। और 5-40 तक हमारे रेट है, 16 तक भी हमारे रेट है। जो कॉपरियाँ उसमें है हमारे पास, मेरे ख्याल 40-50 कॉपियों का काम कर रहे हैं, जिसमें शैल है, कार्पेंट्स है, TS है, ये पाकिस्तान की कॉपरियाँ, और इसके बाद जो है जिक है, किक्स है, ये कोरियन की कंपनी है, उसके बाद जापान के लिए हैं, उसके बाद दुबई, कतर और सऊदी अरब के लिए आ रहे हैं हमारे पास, काफ़ी मुल्कों के आ रहे हैं। इसके आए हुए सिंगमर के एक ही होते हैं, लेकिन उसमें जो है वो है। अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि मेरी नाकस राय के मुताबिक, मैंने कहीं पे पढ़ा है ऑयल में एक ब्लेंडिंग, एडिटिव्स और एक मिक्सिंग, ये क्या चीज़ है? जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये प्लान जो बनाने वाले हैं, ये उनका सवाल है, सवाल नहीं है, ये उनका सवाल है। जो ऑयल बनाते हैं, ऑयल बनाते नहीं आप सील करते हैं, और इसके अंदर एडिटिव होते हैं, जब वो बनाते हैं ना उसके अंदर उनको पता है कितनी मुकदार इसने एडिटिव डालना है, ताचाली बनना है, कितनी मुकदार में एडिटिव डालना है, 20% 15% बनना है, 15% बनना है, 5% बनना है, वो इनको पता होता है, वो दस्तियार होते हैं। हम सोते हैं बंद
इम्पैक्ट होता ना वो शो करते हैं उसके मुताबिक, और इंडस्ट्री में हम आप कर रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री का भी थोड़ा बहुत पता है जो हम काम कर रहे हैं। लैंड तो बहुत बड़ी है, आयल की लैंड बहुत बड़ी है, फिर जितना हमें पता है वो हम बता सकते हैं। इंडस्ट्री में जो आयल चलते हैं उसमें अंटार्कटिक आयल है, इंडियन आयल है, गेट है। मैं सवाल आपसे यही होगा कि पाकिस्तान में आज की तारीख में देखें सितंबर 2023, तो सारा काम, सारे ऑयल की मिक्सिंग, एडिटिव्स, मिक्सिंग पाकिस्तान में लोकली हो रही है कि इंपोर्टेड आता है? जो ऑयल इंपोर्टेड आ रहे हैं वो इंपोर्टेड वहाँ से मलाई को बंद हो गया, डब्बा बैग करके भेज गया है। जो इस तरह के ऑयल है वो इस तरह प्लांट एरिया में कार्टेस का प्लांट और इसका प्लांट इसका है, शेल का है, पी एस ओ का है, और अगुआ है, टोटन का है, पार्टो पगुई हमारे मुल्क में वो आप रहे अपना। चले हमारे व्यूवर्स को आपने ये तो इंट्रोडक्शन दे दिया ऑयल की, थोड़ी हिस्ट्री बता दी कि ऑयल होता किस किस्म का क्या होता है। किसान ने जो होता है ना बेसाइन होता है, जो जमीन से पिंगता है ना वो उसको साफ करके उसके अंदर वो उसकी मुसीबी बढ़ाती है। जो आता है बाहर वो बेसाइन नहीं होता, वो ज़्यादातर द्वारा केमिकल का बना हुआ ऑयल होता है, वो बेसाइन करके होता है। कम है तो सऊदी अरब, दुबई, कतर और पाकिस्तान, ईरान, चीन के आयल जो है ना वो बेसाइन के होते हैं। बाकी कोरिया, जापान, अमेरिका, इनके जो है ना वो। चले इसी से हमारा अगला सवाल मेरे और आम व्यूवर्स के माइंड में यही होगा कि गाड़ी का ऑयल कितने इंटरवल के बाद, कितने हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज करवाना चाहिए? तो गाड़ी है ना पुराने जमाने की 20,000 में ऑयल डालता है, वो तो चलती है 3,000 किलोमीटर, कोई ख्याल इसमें 20,000 डाल तो 3,000 का होती है। उसके बाद गाड़ी इसके नया मॉडल आ जाता है ऊपर वाला, उसके अंदर हम दाचा ही डालते हैं, वो 4,000 किलोमीटर चाफी है, और उसके ऊपर जो आती है बिल्कुल थोड़ी उससे भी कड़ी है, नची होती है, उसमें वो 5,000 डालता है, वो 5,000 किलोमीटर चलता है। उसके ऊपर जो गाड़ी बिल्कुल नई फ्रेश आती है उसमें 5-40। दो किस्म की गाड़ियां हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नाजिन भी यूज़ करते होंगे, मैं भी। एक गाड़ी होती है लोकल असम्बली, एक होती है जापानीज या इम्पोर्टेड मॉडल। दोनों में सेम किस्म का तेल आप लोग डालते हैं या फ़र्क है दोनों में? सेम किस्म का आयल, क्योंकि आजकल इम्पोर्टेड तेल आए हुए हैं जो बाहर की पोखरियाँ कोरिया वगैरह के, जापान के या अमेरिकन जो भी आयल है वो सारे गाड़ी में डाल जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी आयल है वो पाकिस्तानी गाड़ियों में डालते हैं, जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ वो इम्पोर्टेड आयल नहीं डालते। इसी से मेरा एक तकरीबन आखिरी सवाल समझ लें, व्यूअर्स का भी होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जो ट्रेंड है वो ये है जी इलेक्ट्रिक गाड़ी, फ्यूचर ये है, पाकिस्तान में भी एक ना एक दिन आ ही जाएगा, क्योंकि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है पूरी दुनिया में उसमें जाना होता है। तो फ्यूचर अब आगे आने वाली गाड़ियों का ये है इलेक्ट्रिक गाड़ी, जैसे कि टेस्ला, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, सब लोग इलेक्ट्रिक जो है टेक्नोलॉजी उस पर शिफ्ट हो गए हैं। तो आप इंजन ऑयल इंडस्ट्री को फ्यूचर में कहाँ पर देखते हैं, जब ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तानी मार्केट में आ जाएंगी तो आप इंजन ऑयल इंडस्ट्री को कहाँ पर देखते हैं? ये सिर्फ इंडस्ट्री में यूज़ होगा कि मजीद इसकी कोई आगे ऑप्शन है मौजूद? ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं, आ रही हैं, वो तो बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों गाड़ियाँ हैं जो वो ब्लैस भी चल रही हैं, जाओ वो पेट्रोल भी चाह रही, वो जाते जाते नहीं कई साल लग जाएंगे, ये तो नहीं कम नहीं कम हो जा रही है, वो कई साल लग जाएंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल आयल भी हैं जो वो भी चलते हैं, जिसके बाद जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जब आई थी बल्दा उसका काम चेंज कर लेता है, वही प्लान चेंज कर लेता है, स्पेयर पार्ट में आ जाता है, उनकी कोई ना कोई एक्सेसरी में आ जाता बता, वो तो काम कर देता है, लेकिन वो इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। तो आज भी आ जाए जो ऐसे करोड़ों गाड़ियों पाकिस्तान में वो कितने नहीं, वो पाकिस्तान में निकल के हैं तो गरीब बोलता है पाकिस्तान, और इसके बाद वो जो है ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी बहुत है, वो इतने में टाइम लगेगा और पुरानी गाड़ियों को जाने जाते बहुत है। चलो इन केस हमारा तो ये हमारी एक जाती राय है कि अगर इन केस पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाए और इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी दे, तो आम आवाम के लिए चलो अच्छी एक सवारी बन जाएगी। इसी के साथ मेरा जो अगला सवाल व्यूअर्स का भी यही होगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप अपनी ब्रांचेज को यहाँ तक महदूद रखना चाहते हैं या मज़ीद ब्रांचेज कंटिन्यू करना चाहते हैं, और ये काम सिर्फ लोकल पाकिस्तान के अंदर रखना चाहते हैं या इंटरनेशनल भी अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं? और ये जो आयल का काम है इसको मरीज बढ़ा देते हैं, पाकिस्तान में बढ़ा देते हैं, और आने वाला वक्त हम देखेंगे दुबई वगैरह से देखेंगे कि और देखेंगे अगर हम लोग करें इंशाल्लाह दूर करेंगे। तो चलो व्यूअर्स बहुत शुक्रिया आपका हमारा आज का पॉडकास्ट देखने के लिए, जो कि मियां नसीर अहमद मियां ऑयल स्टोर के जो CEO हैं उनके साथ था। मेरे माइंड में जाते जाते एक बात आ गई कि जैसा कि आज से बहुत साल पहले की बात है, हम लोग कैमरा यूज़ करते थे रील वाला, तो रील की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान में। कैमरा मार्केट में आप जाते थे तो आपको रील लेने के लिए पैसे खर्चने पड़ते थे,
उन्हीं दुकानदारों ने जब डिजिटल कैमराज आए, DSLR आए, मोबाइल फ़ोन्स आए, उन्हीं रील्स को रिप्लेस कर दिया माइक्रो SD कार्ड से, USB से, डेटा ट्रांसफ़र की हार्ड डिस्क से, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। एक पहले पास था, एक फ्यूचर में आ गया, उन्होंने रील को माइक्रो SD में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आने वाले वक्त में हो सकता है इस तरह के और भी जो ताजर मौजूद हैं इनके साथ के इस फील्ड के, वो अपनी इंडस्ट्री को पूरा रिवाइव ही कर दें। इंजन ऑयल की जगह क्या पता इलेक्ट्रिक गाड़ी के जो चार्जिंग यूनिट हैं वो लग जाए इनकी जगह पर, जहाँ पर आके लोग अपनी गाड़ी चार्ज कर जाए। हो सकता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी ब्रेक ऑयल और उसका एक फ्लूड होता है पावर स्टीयरिंग फ्लूड, वो वैसे का वैसे ही डलता रहे उसमें, वो भी लोग इनसे डलवाएं ऑलरेडी आके। इसी तरह इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होगी, इंडस्ट्री का पहिया जो है चलता रहता है, और डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज़ में अभी भी इंजन ऑयल यूज़ हो रहा है और मज़ीद यूज़ होता रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री का काम है चलना, इंडस्ट्री में चलता ही रहना है। और गाड़ियों की हद तक सिर्फ महदूद नहीं है इंजन ऑयल की इंडस्ट्री, ये बहुत वसी काम कारोबार है। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और अच्छी बात को आगे फैलाएं, क्योंकि अच्छी बात आगे फैलाना सदका जारिया भी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।